अच्छा, जो फॉर एग्जांपल एक कंपनी की वेबसाइट है या कोई एक ब्लॉग है या कोई एक स्पेसिफिक निश ओरिएंटेड वेबसाइट है या एफिलिएट का ब्लॉग है, अब वो टेक्निकल एसईओ नहीं करते तो वो क्या चीज़ लैग कर रहे हैं? और अगर वो टेक्निकल एसईओ इंप्लीमेंट कर लेते हैं, जैसे आप बता रहे हैं कि क्रॉलर को अंडरस्टैंड करवाना है तमाम सेगमेंट से वाले से, अगर वो कर लेते हैं तो उसका फ़ायदा कितना है? वेरी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन. मुझे मैं लास्ट टाइम आई पोस्टेड इट ऑन फेसबुक के यू नो टेक्निकल एसईओ सपोर्ट एंड सम गाइस से कि वी कैन रैंक आवर वेबसाइट एनीवेज. But I told them that any day I tap into your niche, then you won't be able to. So the thing is, देखें SEO में concept है opportunity का gap analysis का. If you are someone जिसकी website normal SEO से rank होती है, yes that's sure, that's good. I mean ठीक है. But the moment someone comes और वो technical SEO के साथ कर ले, तो एकदम ऊपर आएगा और आप सबको beat कर देगा. So the whole point of technical SEO मैं suggest करता हूँ लोगों को कि इस time पे पाकिस्तान में कोई भी नहीं कर रहा. Although this is a proven fact, एक छोटी website में comparatively कम technical SEO थी, यानी कि 10 ही pages में क्या कर लेगा? ये तो अलीबाबा हो गया, अदराज हो गया, इस तरह की वेबसाइट जिसमें टेक्निकली यू नो यू हैव टू मेक श्योर कि एक चीज चेंज हो तो मिलियंस ऑफ पेजेस में हो, एक प्रोसेस बनाना चाहते हैं. बट इन अ स्मॉल वेबसाइट आप एक एक पेज को मैनुअली एडिट कर सकते हैं, सो उसमें टेक्निकली इतना नहीं आता. बट उधर भी जो 5-10% टेक्निकल एसईओ का रोल है ना, वो आपके 100% ऑफ द कंपेटिटर्स यूज नहीं कर रहे.